नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसेस के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जो GDS का है वो रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट और ये सारी जो प्रक्रिया है अभी बहुत फास्ट हो रही है। हमको पता है कि हमने 6 जून को लास्ट अपने एप्लीकेशन की डेट थी, उसके 14 दिन या 10 दिन के भीतर ही हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया था। 20 जून को पूरा सभी सर्कल्स का जो रिजल्ट था वो आ चुका था, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस थी वो भी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर मैं राजस्थान जो सर्कल है उसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उसके बारे में बता रहा हूँ, और यही प्रोसेस सब जगह रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो GDS की वैकेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो उस परिस्थिति में यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो सभी स्टेट में सेम यही रहने वाला है। तो अब सबसे पहले मैं इस बारे में डिटेल में बात करूंगा, आपको क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं, वहां जाकर आपको किससे मिलना होगा और वहां पर क्या प्रक्रिया रहेगी, कितना समय आपको वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हो हमारे चैनल GDS खबर को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल ऑल ऑप्शन भी जरूर सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए ऐसे जितने भी वीडियोस होते हैं उनकी जो भी जानकारी हो। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे पोस्ट ऑफिस जो होता है, जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है, उसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। अब आपको किस टाइम पे वहाँ जाना है, तो सबसे पहली बात है कि देखिए, जितना जल्दी आप सुबह वहाँ पर जाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उस परिस्थिति में क्या होगा कि वो पोस्ट ऑफिस में भी जो भी अधिकारी हमारे जो फॉर्म चेक करने वाले होते हैं उनको भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उस केस में वो हमको टाइम पर मिल जाए, इसके लिए हमें सुबह 10 बजे वहाँ पर चले जाना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको वहाँ पर सुबह 10 बजे पहुँच जाए। अब वहाँ पर 10 बजे जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि अब आपको किसके पास जाना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे जो ब्लॉक्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो IPBB का भी एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर बैंकिंग रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं वो हो रहे होते हैं। तो आपको वहाँ पर जाओगे आप, तो आप किसी से भी पूछ लेना, क्योंकि उनको भी पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कहाँ पर हो रही है। तो आप किसी से भी जाकर अगर पूछोगे तो आपको बता देंगे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए जाना है हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के पास, यानी कि जो अधीक्षक होते हैं उनके पास वहाँ पर जाना होता है। एक कंफ्यूजन सभी के दिमाग में ये भी आ रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट आया हमारे पास, उस रिजल्ट में SP चित्तौड़गढ़, जैसे मैं चित्तौड़गढ़ की बात करूँ तो वहाँ पर लिखा हुआ है SP चित्तौड़गढ़। तो इस तरीके से सभी के जो भी रिजल्ट है उनमें इस तरीके की डिटेल्स लिखी हुई, तो वहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर हमें जाना कहाँ है। क्योंकि अगर वहाँ पर हेड पोस्ट ऑफिस लिखा होता, जैसे हेड पोस्ट ऑफिस चित्तौड़गढ़, तो उसमें हमें थोड़ा क्लियर हो जाता कि हमें चित्तौड़गढ़ जाना है। तो इसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो SP लिखा हुआ है तो उसका मतलब यही है कि आपको हेड पोस्ट ऑफिस में जाना है, क्योंकि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होते हैं वो हेड पोस्ट ऑफिस में ही बैठते हैं। तो अब आप वहाँ पोस्ट ऑफिस चले जाओगे, वहाँ पर किसी से भी पूछ लेना आपको कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ हो रहा है, तो आपको बता। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको SP के जो ऑफिस है वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली वो बता देंगे कि आपको किस अधिकारी के पास जाना है। अब आपको उन जो भी अधिकारी का नाम लेंगे वो उनके पास जाना होगा। वहाँ जाने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सभी के दिमाग में होता है कि हम अगर वहाँ जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए जो वेरिफिकेशन करने वाला अधिकारी होता है उसकी ये ड्यूटी होती है कि उसको सब कुछ देखना पड़ता है कि जो कैंडिडेट उसके पास आया है वो बिल्कुल सही कैंडिडेट आया है, और जो मार्क्स वगैरह जो भरे गए वो सही भरे गए। तो सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपको कैसे पता चला कि आपको यहाँ आना है, तो आपसे आपके पास जो SMS आया या ईमेल आया उसके बारे में पूछा जाएगा। देखिए आपके पास अगर ईमेल SMS आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ईमेल SMS नहीं आया तो ऐसे में वो आपसे पूछेंगे आपको कैसे पता चला कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। तो आपको जवाब देना है कि जो रिजल्ट हमारा आया था उसमें लिखा हुआ था कि आपको आपके जो रेस्पेक्टिव SPO है उनके पास जाना है इस डेट से पहले। तो वो फिर आपसे पूछेंगे बताओ PDF में कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको PDF खोलनी है और उनको PDF में बता देना है। बताने के बाद अब वो आपसे फिर जो उनका एम्प्लॉय ओनर है वो अपनी कुछ प्रक्रिया करेंगे। प्रक्रिया करने के बाद वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, आपको आपका जो नाम है वो बताना है। नाम बताने के बाद अब आपको जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको अपना जो मोबाइल जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो मोबाइल लेकर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर उस मोबाइल पर एक OTP आएगा। तो वो आपसे वहां पर सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा। अब आपको वो जो OTP है उनको बताना पड़ेगा। जैसे आप अपना जो OTP उनको बताओगे उसके बाद आपका जो पूरी प्रोफाइल है वहां पर खुल जाएगी। अब उस प्रोफाइल में आपको एक तो 10th की मार्कशीट वहां पर देनी होगी, साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है, वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो अब आप यहाँ पर अपने जो दोनों डॉक्यूमेंट्स है वो अभी दोनों डॉक्यूमेंट्स दोगे। दोनों डॉक्यूमेंट देने के बाद वो वहाँ पर उनको अपलोड करेंगे, उनकी भी एक मतलब की साइज होती है, वो साइज भी हम आपको अगले वीडियो में जो भी है इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अब वहाँ पर डॉक्यूमेंट देने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको कि वो अपनी कुछ प्रक्रिया है उन प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वो आपको एक फॉर्म निकाल करके देंगे, जो कि फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस फॉर्म में आपको आपकी जो भी सारी डिटेल्स है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, आपको आपके एप्लीकेशन नंबर, साथ ही साथ आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और कौन सा सर्टिफिकेट आप सबमिट करा रहे हो, जैसे 10th का सर्टिफिकेट दे रहे हो तो उसकी डिटेल, तो ये जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको भरनी होगी। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट है ये उस अधिकारी को देना होगा। उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको सारे प्रिंट जो है वो निकलवा के देंगे और उसके बाद आपको जो सुपरिटेंडेंट वो पोस्ट होते हैं, एसपी जो होते हैं, उनके पास जाना होगा। जो एसपी वहीं पर बैठे रहते हैं पास में, वो आपको बता देंगे इनके पास जाना है। वहां जाकर के आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवाने होंगे। वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद उनसे जब वेरीफाई हो जाएंगे तो वापस आकर के यहाँ पर जो अधिकारी जो कि आपसे जिनसे जिन्होंने आपसे ओटीपी मांगे थे, आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे थे, उनके पास जाना है। उनको वो सारी चीज़ें देनी है। उनको सारी चीज़ें देने के बाद फिर क्या करना है कि वो अपनी प्रक्रिया करेंगे। अब वहाँ से वो एक ऑफर लेटर जनरेट करेंगे कि ऑफर एक्सेप्टेंस एक फॉर्म होता है, जो भी मैं आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑफर एक्सेप्टेंस फॉर्म इस तरीके का होता है। तो उस फॉर्म को देने के लिए आपको, क्योंकि वो उनका थोड़ा बहुत काम करेंगे, उसको पूरे जो वो फॉर्म है उसको जनरेट करेंगे, तो इसके लिए आपको वो टाइम बताएंगे कि आपको इतने टाइम तक बाहर वेट करना है। आपको उतने टाइम बाहर वेट करना होगा और आपको वेट करने के बाद जैसे ही आपका जो भी वो फॉर्म है वो मतलब कि तैयार हो जाएगा, आपको बुला लेंगे और वो बुलाने के बाद आपको वहाँ पर साइन करवाया जाएगा, आपसे लिखवाया जाएगा कि आपको जो लेटर है वो रिसीव हो चुका है। आपसे वहाँ पर डेट लिखवाई जाएगी और आपके साइन करवाए जाएंगे। तो इस तरीके से फिर आपका इस दिन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो पूरा हो गया है। अब बात करें कि क्या ये एक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। देखिए, जनरल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें हमारी मार्कशीट वगैरह वहाँ पर जमा करवाई जाती है, हमारे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया। तो हमने जब वहाँ पर और ज़्यादा पूछताछ करी तो हमें पता चला कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये जो स्टेप है ये एक तरीके से हम मान सकते हैं कि एक फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद एक और स्टेप होने वाला है जिसमें सारी चीज़ें जो है वो आपसे मांगी जाएगी। अभी यहाँ पर केवल आपके जो मार्क्स है उनको टेली किया जा रहा है, तो ये एक फर्स्ट स्टेप है। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होगी आपके पास एक मेल भी आ जाएगा, मेल का स्क्रीनशॉट आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके का आपके पास मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि मतलब कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इंटीमेशन जो है उसका वेट करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स के वाले वीडियो बताएंगे, तो आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स है तो उस केस में तो आपका जो काम है वो कल घंटे दो घंटे में आपका पूरा काम हो जाएगा। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उस केस में आपको वापस वो भेज देंगे घर पर और आपको बता देंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर के आने हैं। तो इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही इजी रहने वाला है। सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, उसके बाद आपको जो एसपी ऑफिस होता है पोस्ट ऑफिस का वहाँ पर जाना है, अधीक्षक का जो कार्यालय है उस कार्यालय में आपकी सारी प्रक्रिया होने वाली है। वहाँ पर आपको एक अधिकारी मिलेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे, उनका वेरिफिकेशन करेंगे, फिर आपको एसपी जो है उनके पास जाना पड़ेगा, वहाँ पर वो भी वेरिफिकेशन करेंगे, वापस जो अधिकारी उसके पास आना पड़ेगा, वो फिर आपको एक लेटर जनरेट करके देंगे और इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस। आपको ये जो वीडियो है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो हमारे चैनल GDS कपूर को सब्सक्राइब जरूर करना और डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियो हम अभी अपलोड कर देंगे, आप उसको भी जरूर देख लेना।